खबर दौसा जिले से आ रही है, जहां पर यातायात सुविधा के चलते हुए वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और इसी के चलते हुए काफी लोगों को इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय दौसा स्थित शहर के लालसोट रोड पर यातायात व्यवस्था इन दिनों बिगड़ी हुई नजर आ रही है। शहर के लालसोट रोड पर गांधी तिराहे से शुरू होकर के रामकरण जोशी स्कूल तक सड़क पर आड़े तिरछे वाहन खड़े रहते हैं। वह वाहनों का जमावड़ा भी लगा रहता है, जिसके कारण सड़क से होकर के गुजरने वाले वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। इस बेवजह के जाम में कई बार रोडवेज बसें भी फंस जाती हैं, जिससे लालसोट सवाईमाधोपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, बड़े भवनों के आगे पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण शहर में यातायात की व्यवस्था भी बिगड़ रही है, जिसका मुद्दा हाल ही में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर से हुई वार्ता में भी उठाया गया था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।